नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं सेलिब्रिटी न्यूज। शहनाज गिल बर्थडे। घर से क्यों भाग गई थी शहनाज गिल, इसलिए अभी तक नहीं की शादी, जानिए दिलचस्प किस्सा। शहनाज को बचपन से ही एक्टिंग का शौक था, उन्होंने बहुत कम उम्र में मॉडलिंग भी शुरू कर दी थी। पंजाब की कैटरीना कैफ यानी सबकी चहेती शहनाज गिल का आज शुक्रवार को अपना 29वां जन्मदिन मना रही हैं। बिग बॉस से पॉपुलर हुई शहनाज लाखों युवा दिलों की धड़कन बन चुकी हैं। उनकी मासूमियत और खूबसूरती हर किसी को उनका दीवाना बना देती है। सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान से बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही शहनाज गिल का पूरा नाम शहनाज कौर गिल है, जो एक सिख परिवार से ताल्लुक रखती हैं। शहनाज से जुड़ी कुछ ऐसी दिलचस्प बातें हम आपके लिए आज लाए हैं जिसके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। पंजाब की कैटरीना कैफ। शहनाज कौर गिल का जन्म 27 जनवरी 1993 को एक सिख परिवार में हुआ था। उनकी मां परमिंदर कौर गिल ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब शहनाज 16-17 साल की थी तो सभी लोग उन्हें कैटरीना बुलाते थे। शहनाज को प्यार से पंजाब की कैटरीना कैफ भी कहा जाता है। शहनाज को बचपन से ही एक्टिंग का शौक था, उन्होंने बहुत कम उम्र में मॉडलिंग भी शुरू कर दी थी। एक्टिंग के सपनों में मशगूल शहनाज का पढ़ने में मन नहीं लगता था, हालांकि किसी तरह उन्होंने पंजाब के एक विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री हासिल की। पंजाब कई म्यूजिक वीडियोस में किया काम। पंजाबी इंडस्ट्री से अपने करियर की शुरुआत करने वाली शहनाज ने 2015 में अपना पहला म्यूजिक वीडियो शिव दी किताब किया, जिसे गुरविंदर ब्रार ने बनाया गाया था। हालांकि शहनाज गिल को लोगों ने म्यूजिक एल्बम मुझे दी जत्ती और गैरी संधु के पॉपुलर म्यूजिक वीडियो होली होली से जाना। शहनाज गिल ने एक बार खुलासा किया था कि उन्होंने अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर एक्टिंग के क्षेत्र में प्रवेश किया। घर वाले शहनाज की शादी कराना चाहते थे, इस वजह से छोड़ दिया था घर। शहनाज ने कहा, जब मैं देर रात तक शूटिंग से लौटती थी तो घर में खूब हंगामा होता था। घर वालों से लगातार लड़ाई झगड़े की वजह से मैंने शादी नहीं की। मैंने घर छोड़ दिया और उनसे अपना रिश्ता खत्म कर लिया। हालांकि मेरी पॉपुलैरिटी को देखकर मेरे घर वालों को मुझ पर काफ़ी गर्व था। पंजाब से बाहर शहनाज को बिग बॉस 13 से बम्पर फेम मिला। शो में सिद्धार्थ शुक्ला के साथ उनकी जोड़ी को खूब पसंद किया गया। शो के बाहर भी दोनों अच्छे दोस्त बने, लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला की दुर्भाग्यपूर्ण मौत ने शहनाज को बुरी तरह तोड़ दिया था। तो ये थी सेलिब्रिटी शहनाज गिल कौर की अपडेट्स, उनकी लाइफ के बारे में अधिक जानकारी। ऐसे और सेलिब्रिटी लाइफ्स के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने कमेंट्स हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। बाय बाय।